अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। टीचिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है उसका एक स्कूल है, लेबॉरेटरी स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम, स्कूल भी है और कॉलेज भी है। तो वहाँ पर उसके कैंपस के अंदर स्कूल में जॉब्स आई हैं, पारस कैंपस के साथ जो स्कूल है वहाँ पर उसमें जॉब्स आई हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको उस जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। एप्लीकेशन जो आप लोगों ने देनी है वो पूरे पाकिस्तान से कोई भी सिटीजन है वो इसके अंदर एप्लीकेशन दे सकता है, और जो फैसलाबाद से बिलोंग करता है उसको ज़्यादा प्रेफर दी जाएगी। मतलब पूरे पाकिस्तान से कोई भी सिटीजन है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो फैसलाबाद के सिटीजन होंगे उनको ज़्यादा प्रेफर दी जाएगी, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन कैसे देनी है, मतलब एक प्लेन पेपर के ऊपर आपने राइट करनी है और उसके साथ आप लोगों ने अटेस्टेड कॉपीज लगा देनी है CNIC कार्ड की, और जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे, मैट्रिक, इंटर, BSc, MSc, BS जो भी हैं सर्टिफिकेट्स वो सारे, डिग्रीज भी आपने लगा देनी है सारी साथ, और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो वो भी आप लोगों ने साथ लगा देना है। मतलब आपने टीचिंग के लिए अपॉइंटमेंट, टीचिंग में आपने अप्लाई करना है तो आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपने वो इसके साथ लगा देना है। और ये आपने कहाँ देना है, ये लिबर्टी हाई स्कूल में देना है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंपस, जो पारस कैंपस में गर्ल्स और बॉयज़ का कैंपस है वहाँ पर। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, कौन कौन सी, एक फिजिक्स के लिए आई है। अब फिजिक्स के लिए आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, MSc फिजिक्स होनी चाहिए या फिर BS 4 ईयर फिजिक्स में होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो BEd या MEd होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर MSc बायो में होनी चाहिए या बॉटनी में होनी चाहिए या जोलॉजी या बायो केमिस्ट्री में, या अगर हम इसी तरह BS की बात करें तो 4 साल BS जो है वो बायो के अंदर हो या बॉटनी के अंदर या जोलॉजी के अंदर या बायो केमिस्ट्री के अंदर। सेम इसकी भी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो BEd या MEd ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम इंग्लिश की बात करें तो MA इंग्लिश में होना चाहिए, और इसमें जो साथ है वो BEd या MEd होना चाहिए। यहाँ लिंग्विस्टिक की भी बात की गई है तो यहाँ ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक वाला भी। इसी तरह अगर हम उर्दू की बात करें तो MA उर्दू होना चाहिए और साथ BEd या MEd होनी चाहिए। उसके बाद इनकी जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास 16 साल तालीम होनी चाहिए, मतलब किसी भी HEC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से 16 साल तालीम होनी चाहिए जो आपको सब्जेक्ट्स ऊपर बताए गए हैं उनमें से किसी एक में। उसके अलावा जो आपकी डिवीजन हैं, मतलब कम से कम एक सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, अगर 2 सेकंड डिवीजन हैं आपकी पूरे किसी भी, मतलब इंटर के अंदर, मैट्रिक के अंदर या BSc के अंदर या MSc के अंदर, तो आप फिर इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एक की आपको रियायत है, एक एक सेकंड डिवीजन की आपके पास रियायत है तो आप वो, एक अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है सेकंड डिवीजन तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम थर्ड डिवीजन की बात करें तो थर्ड डिवीजन अगर एक भी है तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब थर्ड डिवीजन अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे बताया गया कि अगर आपके पास BEd है, BEd आपने किया हुआ है तो आपको ज़्यादा प्रेफर दी जाएगी। मतलब अगर आपने जो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं ऊपर इनके साथ साथ, मतलब इनमें किसी एक सब्जेक्ट में 16 साल तालीम के साथ साथ अगर आपने BEd भी किया हुआ है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन जब सब लोग सेंड कर देंगे तो उनमें से कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने मतलब अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं लिखी या उसको सबमिट नहीं करवाया जो भी है तो वो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। उसके अलावा जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके पास ये राइट्स हैं कि वो नंबर ऑफ पोजीशन या नंबर ऑफ जॉब इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये बताया गया है कि ये जो जॉब है इसका जो पीरियड है, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट वो 1 साल है, मतलब ये जॉब 1 साल के लिए है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये टेम्परेरी जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और उसके अलावा जो इसमें आपको सैलरी दी जाएगी
वो निगोशिएबल होगी, मतलब वो आपको इंटरव्यू में बताई जाएगी कितनी सैलरी आपको दी जाएगी। उसके अलावा जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो कहाँ आपने देनी है, ये आपको बताया गया है कि वर्किंग डेज के अंदर आप लोगों ने जो UAF कम्युनिटी कॉलेज पारस जंग रोड नियर एयरपोर्ट चौक फैसलाबाद, मतलब फैसलाबाद में एयरपोर्ट चौक में एक कैंपस है पारस कैंपस, तो वहाँ UAF कम्युनिटी कॉलेज में आप लोगों ने जो एप्लीकेशन है वो सेंड कर देनी है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है, और नीचे यहाँ पर बताया गया है डॉक्टर मोहम्मद अंजम जिया प्रिंसिपल, ये नीचे इसके बारे में बताया गया। अगर आप लोगों ने कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है इसके बारे में तो ये नीचे इनका फ़ोन नंबर भी दिया गया, आप इस पर कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो वो ले सकते हैं।